हुए जिनमें बात होगी। आज देश भर में चक्का जाम, बिहार में किसान संगठन के प्रदर्शन को महागठबंधन का समर्थन, इमरजेंसी सेवा बाधित नहीं। बिहार में करवट लेगा मौसम, कई हिस्सों में बारिश व ओला गिरने के आसार। सुधा के दूध समेत अन्य उत्पादों की कीमत बढ़ी, 7 फरवरी से लागू होगी नई दरें। 8 से खुलेंगे 6 से 8 तक के स्कूल, छात्र छात्राओं अभिभावकों को देनी होगी स्वास्थ्य संबंधी व हाल की यात्राओं की जानकारी। आखिर में यमन में सऊदी अरब के हमले सहन नहीं करेगा अमेरिका, बाइडेन बोले हिंसा खत्म होनी चाहिए। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना पुलिस को रुपेश की पत्नी याद आई, छपरा पहुंचे एसएसपी, पत्नी ने पुलिस को कहा था झूठा, हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच मांगी थी। लालू की मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं करने पर हाईकोर्ट ने रिम्स निदेशक को किया शो कॉज, 19 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। शिवानंद बोले सचिन से भारत रत्न वापस ले, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से किसान आंदोलन में हस्तक्षेप न करने की अपील अपमानजनक। बिहार में अब रविवार को भी होगी जमीन और मकानों की रजिस्ट्री। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। किसानों की मांग को पूरी करने के लिए अखिल भारतीय किसान संगठन की ओर से 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया गया है। बिहार में इसको राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दल समर्थन कर रहा है। किसान संगठनों ने 6 फरवरी को 2 से 3 बजे तक देशव्यापी चक्का जाम करने का निर्णय लिया। हालांकि चक्का जाम के दौरान इंटरमीडिएट एग्जाम और इमरजेंसी सेवा को बाधित नहीं किया जाएगा। बिहार में मौसम के बदलाव की परिस्थितियां तैयार है। शनिवार को राज्य में कई हिस्सों में गरज तरफ के साथ बारिश के आसार है, कुछ जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं। राजधानी पटना में भी आंशिक बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने इस बाबत येलो अलर्ट जारी किया है। सुधा के दूध समेत अन्य उत्पादों की कीमत बढ़ा दी गई है। प्रति लीटर दूध की कीमत में औसतन 2 रुपए की वृद्धि की गई है। 7 फरवरी से नई दरें लागू होगी। इससे पहले सुधा ब्रांड के दूध और अन्य उत्पादों में नवंबर 2019 में वृद्धि की गई थी। वहीं सुधा के दही और टेट्रा पैक फ्लेवर्ड दूध आदि की कीमत में वृद्धि नहीं की गई है। बिहार के स्कूलों में 6 से 8 तक की कक्षाएं 8 फरवरी से शुरू होने वाली है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने सभी जिलाधिकारी और शिक्षा पदाधिकारियों को गाइडलाइन भेज दी है। सभी स्टूडेंट, उनकी अभिभावक या माता पिता से उनकी स्वास्थ्य संबंधी स्थिति व यात्रा से संबंधित घोषणा पत्र लिया जाएगा। शुक्रवार को पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा पूरी टीम के साथ खुद छपरा पहुंचे। नीतू सिंह से मुलाकात के बाद एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने कहा कि इस केस का अनुसंधान कैसे किया और अपराधी तक कैसे पहुंचा गया, इसकी जानकारी देने के लिए मुलाकात की है। साथ ही उन्होंने सुरक्षा के लिए एक बॉडीगार्ड भी दिया गया है। परिवार को अनुसंधान को लेकर जो संशय है वह भी जानना जरूरी था। चारा घोटाला में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं किए जाने पर झारखंड हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने रिम्स निदेशक को शो कॉज नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिए जाने का विरोध किया है। उन्होंने साफ कहा है कि ऐसे लोगों को भारत रत्न नहीं देना चाहिए जो प्रोफेशनल हो। ऐसे लोगों से भारत रत्न वापस ले लेना चाहिए, वे देश के सर्वोच्च सम्मान का अपमान कर रहे हैं। सुपौल में किराना के थोक व्यवसायी की हत्या के 17 घंटे बाद NH 106 और 327 ई से जाम हटा। मौत से आक्रोशित व्यवसायियों ने जमकर प्रदर्शन किया। SDPO इंद्र प्रकाश और SDM मनीष कुमार के आने के बाद व्यवसायियों को समझा बुझाकर जाम हटवाया गया। विरोध में महेशपुर सहित शहर के कई बाजार बंद रहे। गया के गुरारो का दत्पा गांव शुक्रवार की दोपहर अचानक से उबल उठा। जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। देखते ही देखते ईंट पत्थर चलने लगे। दो राउंड फायरिंग भी हुई। आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए। 5 थानों की पुलिस गांव में कैंप कर रही है। बिहार के सभी निबंधन कार्यालय अब रविवार को भी खुले रहेंगे। आम दिनों की तरह हर रविवार को भी दस्तावेजों का निबंधन यानी जमीन मकान फ्लैट की रजिस्ट्री होगी। सरकार का यह आदेश चालू वित्तीय वर्ष यानी 31 मार्च तक लागू रहेगा। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार से 4G इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई। बिजली और सूचना के प्रमुख सचिव रोहित कंसाल ने कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल की जा रही है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवा 5 अगस्त 2019 से बंद थी। इंटरनेट सेवा बंद करने का फैसला केंद्र सरकार की ओर अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद लिया गया था। किसान आंदोलन को लेकर भारत पर सवाल उठाने वाली अमेरिकन सिंगर अब खुद कई विवादों में है। पहला विवाद उनके किसान आंदोलन के समर्थन में पोस्ट करने को लेकर है।
रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस पोस्ट के लिए उन्हें कनाडा की पीआर फर्म ने 18 करोड़ रुपए दिए थे जो खालिस्तान समर्थक से जुड़ी है। गुजरात भाजपा ने पीएम नरेंद्र मोदी की भतीजी सोनल मोदी को निकाय चुनाव का टिकट देने से मना कर दिया है। सोनल ने अहमदाबाद नगर निगम से टिकट मांगा था। पार्टी का कहना है कि नए नियमों के मुताबिक बड़े नेताओं के रिश्तेदारों को इस चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा। इसके तहत ही सोनल को टिकट नहीं दिया गया है। पिछले साल यूपीएससी की परीक्षा में लास्ट अटेम्प्ट करने वाले कैंडिडेट को इस साल एक और मौका मिलेगा। कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि सिविल सर्विस परीक्षा 2020 में लास्ट अटेम्प्ट करने वाले कैंडिडेट्स को शर्तों के साथ एक बार फिर मौका दिया जा सकता है। शर्त यह है कि ऐसे कैंडिडेट परीक्षा में बैठने की उम्र पार न कर चुके हों। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यमन में सऊदी अरब के समर्थन वाले सैन्य अभियानों से समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सरकार का कहना है कि पिछले 6 साल के यमन में जारी हिंसा को खत्म किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति बाइडेन ने वाशिंगटन में अमेरिकी विदेश विभाग की यात्रा के दौरान कहा कि इस युद्ध को समाप्त करना है। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।